हेलो गाइस, सो आप लोगों को काफ़ी डाउट हो रहा है कि आखिर न्यूज़पेपर्स कौन सा पढ़ा जाए। न्यूज़पेपर काफ़ी सारे हैं, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, NSTF, दैट ऑल यू नो। लेकिन द मेन थिंग इज मैनी स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज दैट विच न्यूज़पेपर दे शुड फॉलो, उनको न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना चाहिए UPSC प्रिपरेशन के लिए। सो पहले तो देखिए, पहले तो एक गोल्डन स्टैंडर्ड था दैट यू हैव टू फॉलो हिंदू, राइट। लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ देन अदर न्यूज़पेपर्स ऑल्सो कीप ऑन अपग्रेडिंग देयर कंटेंट। नाउ दूसरे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा आ चुका है, राइट। UPSC के आंसर राइटिंग में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव अ डाइवर्स व्यू। आपको एक डाइवर्स व्यू देना बहुत ज़रूरी है। आपको एकदम एक्सट्रीम ओपिनियन बिल्कुल नहीं देनी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट यू शुड रीड एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर्स, राइट। इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू इन स्टार्टिंग दैट टू न्यूज़पेपर्स मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बट द थिंग इज कि आपको पूरा न्यूज़पेपर पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द एडिटोरियल पार्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट होता है उसको आपको पढ़ना है, एंड दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यू विल गेट एज यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स एज यू रीड मोर। तो जैसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे आपका दिमाग अपने आप खुलेगा, और देन पूरा न्यूज़पेपर खोला है देन आपको आ जाएगा समझ में कि हाँ ये आर्टिकल मेरे को पढ़ना है, राइट। सो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, करत करत अभ्यास, ठीक है, ये करेंगे आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो उसका देखिए हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। कुछ लोग हिंदू पढ़ते हैं, कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और ST में भी कुछ अच्छे आर्टिकल आते हैं। मिंट न्यूज़पेपर है, मिंट न्यूज़पेपर में भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आपके पास टाइम है, यू हैव सफिशेंट टाइम, तो एटलीस्ट दो न्यूज़पेपर पढ़िए। हिंदू के साथ आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। मिंट में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट और यू वांट टू फोकस ऑन ऐसे पार्ट एंड सोशियोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, इपावेट के जो टॉपिक्स हैं, उन सब के ऊपर अगर आपको फोकस करना है देन मिंट इज़ गुड फॉर यू, राइट। सो बेसिकली आपको सिर्फ हिंदू पे नहीं टिके रहना है, आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव भी लेना है। आप इंडियन एक्सप्रेस भी साथ में पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, या हिंदू के साथ इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, राइट। न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्टिंग के टाइम पे हार्डली आपको 1 घंटा या 2 घंटा ले सकती है अगर इफ़ यू आर अ बिगनर, बट एज यू प्रैक्टिस मोर यू विल गेट टू नो दैट इट इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 30 to 40 मिनट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। सो यू नीड नॉट इन्वेस्ट मच टाइम वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, बट यस डेफिनेटली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू विल हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, सो एज टू मेक योर टेम्पो। आपको अपना टेम्पो उस लेवल का बनाना है कि आप जो है मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के जितनी जल्दी स्किम करेंगे उतनी जल्दी तो आप जो फाइलें आएंगी तो जल्दी जल्दी उनको कंप्रेहेंड करेंगे और जल्दी जल्दी साइन करेंगे। अल्टीमेटली आपको उस लेवल पे लेके आना है ना कि आप इतना सारा वर्कलोड जो है वो जल्दी कर सकें। तो द मोर यू रीड न्यूज़पेपर द बेटर यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, और वहाँ पे आप इतनी फुर्ती से आप इतने फास्टली काम करेंगे कि एवरी वन विल वंडर, राइट। सो दो न्यूज़पेपर पढ़िए, एंड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।